वेलकम बैक एपिसोड ऑफ कार टॉक। मरी गुरु हैं लाहौर से, वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी इस वक्त टोटल मेरे पास अमाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन है। वो इसके अलावा मेरे पास कोई अमाउंट नहीं है, कोई असासा नहीं है और मेरी जो एक जॉब है वो भी मेरी नॉर्मल सी जॉब है, उसमें मेरा गुजारा चलता है। तो मैं इस इन्वेस्टमेंट को, 4 मिलियन की जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ कि मेरे लिए लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा दे और शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे कोई ना कोई फ़ायदा हो और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये बढ़े। तो आइए इस पर बात करते हैं कि उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, अगर आप कमाते ज़्यादा हैं ना तो फिर आप रियल एस्टेट में भी ज़्यादा कमा लेंगे। देखिए, इनकम का बढ़ाना सबसे बड़ा काम है, बेहतर काम है या इम्पोर्टेंट है, वहाँ से शुरू करें, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं जी मैं कमा तो नहीं रहा, वहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ कोई छोटी सी नौकरी पकड़ी हुई है, किसी ने कोई छोटा सा करियर और उधर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है। आपने बुनियादी तौर पर पहले अपनी आमदनी को बढ़ाना है। अच्छा, अब आप कुछ नहीं कहते हैं जी चले हम तो प्रॉपर्टी का ही काम करना चाहते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी का काम करें अपने पैसे से नहीं। अपना पैसा अभी आप इन्वेस्ट ना करें, अभी आप प्रॉपर्टी का काम करें, लोगों की चीज़ें बिकवाएं, लोगों को खरीद के दें। अब आप इसमें सर्विसेज चार्जेस आपको मिलेंगे, वो जो थोड़ी आमदनी है छोड़ दें, ये मुश्किल काम है। या फिर आप 40 लाख रुपया जो है वो आप रख लें अपने पास, पाँच साल के अखराज हैं। जब आपने इस पे काम करना है एम्फेसाइज होके, तो आप अपने अखराजात मिनिमम रखें, पैसा बैकअप में रखें, आपका वरीज नहीं होगी। 4-5 साल में आप चल ही जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर्टी में टीवी सब्सक्राइब किया हुआ और सारी वीडियो देखते हैं तो एक साल में मैं आपको चला के छोड़ूंगा। उसकी वजह ये है कि देखें, ये साल बहुत बड़ा टाइम होता है, इसलिए तो नौकरी पेशा लोग जो है वो सस्ते बिक जाते हैं, जो करोड़ रुपया उनको मिलता है। लेकिन हमारे काम में आप साल में 1.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, तो वो खैर वो अल्लाह को जाके जवाब दे होगा कि भाई आप गरीब आवाम बना दिया आवाम को। तो बहरहाल जिसका हाथ, वो जजों का भी हाथ पहुँचता तो वो अपने को ही जो है ना, वो कहते हैं अन्ना मंडे रियोड़ियाँ पहुँचों के अपने अनु। ये आवाम का हुकूमत आवाम पे करते हैं, टैका आवाम पे रखा हुआ है और रियोड़ियाँ अपने आप, और उस करप्ट लोग जो है ये सियासतदान है वो भी अपने अनु रियोड़ियाँ बिलावल तो मरियम नहीं वंडनगे या वो गोंगलों ने वंडनगे, और आम पाकिस्तानी का उन्होंने कोई ख्याल नहीं। आम पाकिस्तानी, आप अपना पहले काम सीखें, काम में इन्वॉल्व हों, इंडल्ज हों, एफर्ट करें, लंबे आवर्स काम करें, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, कोई जीनियस थॉट सोचें, कोई बेस्ट प्रॉपर्टी सर्च करके ढूंढ निकालें, उसमें कोई मार्जिन हो, जेन्युइन पार्टी हो पीछे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो किसी के साथ। ये सारी मेहनत करें और उसके बाद आप पैसा कमाएं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।